हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 और प्राइम को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, टैली प्राइम में क्या चीज़ आसान हो गई है और टैली प्राइम क्यों ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, टैली ईआरपी 9 जब हम यूज़ किया करते थे तो आप ये देख सकते हैं ये टैली ईआरपी 9 की विंडो है और यहाँ पर आपको कोई भी क्रिएट या यहाँ पे साइड में कोई भी बटन नहीं मिलता है। ये पट्टी सी जो दिख रही है ये तो आपको टैली प्राइम में भी मिल जाएगी और ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है आपको टैली प्राइम में भी मिलता है, लेकिन आपको टैली प्राइम में एक खास बात ये है कि क्रिएट करने के लिए अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो डायरेक्टली क्रिएट का बटन ही दिख जाता है। कैसे? जैसे कि अगर आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां से मैं टैली प्राइम को ओपन कर रहा हूं, डबल क्लिक किया इस पर, कि टैली प्राइम में अगर आपको कोई वाउचर में जाते हैं एंट्री पास करने तो यहां पर ये देखिए ये क्रिएट वाला ऑप्शन खुला रहता है, लेकिन अगर आप टैली ईआरपी 9 में जाते तो क्या होता वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रिएट का बटन नहीं नजर आ रहा है, जबकि अगर प्राइम की बात करें तो यहां पे देखिए जैसे ही हम वाउचर में जाते हैं एंट्री पास करने तो यहां क्रिएट ऑटोमेटिकली शो करता है। तो ये सबसे ज्यादा आसान कर दिया गया था जो कि टैली प्राइम में ये फीचर आया था। ठीक है, टैली प्राइम ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू टैली ईआरपी 9। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर कोई भी आपको इस तरह का बटन नहीं दिखाई पड़ेगा। ये देखिए परचेस अकाउंट में ही हम एंट्री पास कर रहे हैं और यहां पर आपको कोई भी ऐसा बटन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू टैली ईआरपी 9। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। इसी तरह के कुछ और भी फीचर्स हैं, आगे चल करके और भी चीजें बताता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।